जनाब ये ईदी के लिफाफे सारे हमने जमा कर लिए हैं बच्चों के इसरार पे खोलने वाले, क्योंकि अभी तक हमें टाइम नहीं मिला था खोलने का। तो लेट्स सी, तो भाई बताओ क्या करूं मैं, खोलूं या नहीं खोलूं? चलो भाई यार, तुम लोगों ने इतना इसरार किया तो मैं खोलने लगा हूँ। अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक मेरी इज्जत रखना, देखें क्या होता है क्या नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे यार, मैं बता नहीं सकता दिल कितना गार्डन की बच्ची को है ना, आनिया की बच्ची को, ये सब इनकी प्लानिंग थी सारी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज ईद का चौथा दिन है और ईद तकरीबन सब लोग गुजार चुके हैं, ज़रूर यकीनन थक गए होंगे, कुछ थक के आज जो है आराम कर रहे होंगे, या कुछ इस टाइम पे जो पिकनिक की तैयारियां कर रहे होंगे। तो बहरहाल मेरे पास ये सारे बच्चे जमा हो गए, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें ज़रा इन बच्चों को, ये बच्चे सारे जमा हुए हैं और इनकी मजीद है कि मैं अपनी ईदियाँ खोल के इनको दिखाऊँ। तो पता नहीं मुझे कहीं ऐसा लग रहा है, अल्लाह ना करे कहीं प्रैंक व्रैंक तो नहीं कर रहे मेरे साथ में, क्यों इतना मेरे साथ जो ये बोल रहे हैं कि आप ईदी खोल कर दिखाएं, अपनी ईदी खोलें, लिफाफे खोलें। तो बहरहाल मैंने खैर टाइम मिला ही नहीं था, मैंने अभी तक कोई लिफाफा खोला नहीं है, इनके इसरार पे चले लिफाफे खोलते हैं, अल्लाह मालिक के देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हाँ भाई हुसैन, क्या चाहते हो? मुझे ईदी खोलना चाहिए, खोलना चाहिए। हाँ भाई दानियाल, आप क्या चाहते हो? ईदी खोलना चाहिए, दिखाना चाहिए आपको बच्चे को ईदी के लिफाफे खोल के। और तुम क्या चाहते हो भाई? दिखाना चाहिए। यार कोई भी मेरे फेवर में नहीं है, छोड़ दो भाई, दिखाना चाहिए। क्या कहती हो आनिया? हाँ भाई ईदी खोलनी चाहिए, खोलनी चाहिए। प्रैंक तो नहीं किया? नहीं, देख लो मुझे तुम लोगों की जो ना कुछ जो ना शरारत लग रही है। तो भाई बताओ क्या करूं मैं, खोलूं या नहीं खोलूं? चलो भाई यार, तुम लोगों ने इतना इसरार किया तो मैं खोलने लगा हूँ। अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक मेरी इज्जत रखना, देखें क्या होता है क्या नहीं होता। आइए ये, तो भाई जनाब ये ईदी के लिफाफे सारे हमने जमा कर लिए हैं बच्चों के इसरार पे खोलने वाले, क्योंकि अभी तक हमें टाइम नहीं मिला था खोलने का। तो लेट्स सी। चलो भाई, तो भाई बच्चों क्या करें, खोले? चलो भाई यार मैं बोलता हूँ, देख लो भाई इज्जत का जो है टिया पाचा नहीं करवा देना। तो खोले भाई, ये नाम लिखा भाई दानिश और ये मिले 1000 रुपए। फिर हम नाम किसी का बताएंगे नहीं कि ये किसने दिए, क्योंकि जाहिर सी बात हुई हमने कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो भारत ये यहाँ रखते तो ये भी 2 500 के नोट मिले, 2 कह दिया था मिले, हरे वाले कह दिया था। दानिश ये भी, दानिश चलिए चलो जी अब एक और खोलने लगे हैं। ये कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 1500 मिले भाई। क्लैपिंग। ये तो हमारे जैसा लिफाफा लग रहा है। ये है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 550 वाले 10 नोट। ये अपने ये 1000 यार ये तो निकल तो रहे हैं, मुझे कुछ लग तो नहीं रहा, लग रहा इसमें खुल क्यों नहीं रहा, खुल क्यों नहीं रहा, खुल जा खुल जा, बोलो खुल जा, सेम सेम बोलो सेम सेम। तो भाई ये यार बड़ा कोई जान बूझ के लग रहा है ऐसा कि
बहुत खतरनाक किस्म का इस पे गिलू लगाएगा। खुल जा भाई खुल जा। यहाँ पे एक लिफाफा खाली निकला है यार। ये किसका? ये तुम्हारा लगे, तुम्हारी हरकत लगी। नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। ये किसकी है यार? ये किसने दिलवाया था? नाम नहीं लिखा हुआ इस पे। नाम नहीं, नाम नहीं लिखा हुआ ना। आपका ये एनवेलप खाली निकला है चाचू, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो कोई बड़ी कुछ ना, कल मैंने हानिया के साथ किया था, ये तो मुझसे बदला हानिया ने तो नहीं लिया है यार। ये तो गलत है यार, किसने किया है? सही सही बताओ मुझे, किसने करा है? देखे चाचू ज्यादा हसन हंस रहा है। सही सही बता दो कसम से। ये सबका प्लान था? हसन ज्यादा हंस रहा चाचू यार। ये तो बहुत, जब ही तुम लोग मुझे जो है इंसिस्ट कर रहे थे लिफाफे खोलो लिफाफे खोलो लिफाफे, ये हमारा प्लान था। हानिया ने लीड किया होगा यकीनन गर्ल का बदला लेने के लिए, ऐसा ही है यार। ये तो मेरे साथ प्रैंक हो गए देखो। चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अब बाकी कितने लिफाफे बचे? अभी एक दो तीन चार लिफाफे बने। ये एक फिर खुला है। अब तो खाली नहीं होगा कोई यार? तुम लोगों ने खाली और तो नहीं रखे हुए? और खाली तो नहीं रखे? बता दो मुझे, पता नहीं मुझे, सही से ही बता दो। मैं कसम से जो ना सबकी टांगे तोड़ूंगा। तो एक वो लिफाफा। वन टू थ्री फोर फाइव, पांच सौ। ये कोई बोलने वाले? Wow! 5000! चाचू आपके ये 5000 निकले, आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं बता नहीं सकता, दिल कितना गार्डन गार्डन हो गया है ऐसे। इतना गार्डन गार्डन हो गया है कि बस यार, ऐसे सारे लिफाफों में मिल जाता तो क्या क्या ही बात थी, क्या ही बात थी। बहरहाल जो जिसने जो दिया सबका थैंक यू, बहुत शुक्रिया सब लोगों का। जो खाली था उस पे क्या कहना चाहेंगे? उसको जो ना सही नहीं करा मेरे साथ तुम लोगों ने यार। एक लिफाफा तो खाली नहीं मिला। 20 नोट्स 50 वाले यानी कि 1000 रुपीस। वाओ थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, जिसने जो जो दिया सबको दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आज हानिया ने आपसे रिवेंज ले लिया कल वाला। यार ये हानिया की बच्ची को है ना, हानिया की बच्ची को, ये सब इनकी प्लानिंग थी सारी। कोई बात नहीं, इसने रिवेंज ले लिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ईयर जो ना, ये नेक्स्ट टाइम तो तुमसे खतरनाक रिवेंज लूंगा मैं। चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया सबका, ये सारी ईदी हमारे पास जमा हो गई है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इसमें बरकत दे, उम्मीद है कि जो ना कि हमारा महीना गुजर जाएगा इसमें, ऊपर के खाने पीने में गुजर जाएगा, जो होटलिंग शोटलिंग वोटलिंग होती है तो थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया सबका। अल्लाह उम्मीद है आपको हमारा प्रैंक अच्छा लगा होगा। अगर हमारा प्रैंक अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे आने वाले प्रैंक के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।